फिर आपस में हाथापाई किसी बात को लेके हुआ था, वो क्या बात थी? सरासर गलत है। दिनों से कार्य कर रही है? हम 16 साल से बनाते हैं। प्रार्थना मन भइल सर जी कि जय हिंद ना बोले, बाकी जय हिंद सब बोले, सब प्रार्थना में रहेला। जय हिंद नहीं बोला जाता है, जय हिंद बोला जाता है, वंदे मातरम नहीं बोला जाता है, वंदे मातरम होता है, रोज गाली रोज गाली वही गाली दे रही। कौन गाली दे रहा है? क्या बात है, थोड़ा सा हमको बताइए। अरुण जी का ही गलती है, वो सब राजनीति है। सच्चाई क्या? हम बड़े तो हम बड़े, इसके लिए इसी के लिए झगड़ा होगा। राष्ट्रगान वंदे मातरम का मैटर नहीं है, सभी लोग शिक्षित हैं। तो ये फिर आपस में हाथापाई किसी बात को लेके हुआ था, वो क्या बात थी? सर मुझे पता नहीं, मैं बच्चों को प्रेयर में संबोधित कर रहा था और अचानक पता नहीं है अचानक किसे घुस गया। अच्छा, इसमें शेड्यूल बना हुआ है कि एक दिन वो प्रेयर कराएंगे, एक दिन ये प्रेयर कराएंगे, ऐसे बच्चों ने कहा है, क्या ये सही है? जी था। अच्छा, शेड्यूल के अनुसार प्रेयर हो रहा था जी। तो जिनसे जिन्होंने झगड़ा किया या जिन लोगों ने झगड़ा किया उनका तो उस दिन शेड्यूल नहीं था, सैटरडे को जी। तो फिर उन्होंने झगड़ा कर दिया और इसको बना दिया कि वंदे मातरम के लिए ये लोग कभी खड़े नहीं होते हैं, वंदे मातरम नहीं बोलते हैं। सर इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सरासर गलत है। सरासर गलत है ये। ये बताइए किस बात के लिए यहाँ झगड़ा हो रही है स्कूल में? झगड़ा देखिए यहाँ, सच्चाई क्या? हम बड़े तो हम बड़े, इसके लिए इसी के लिए झगड़ा हो रहा है। अच्छा, बच्चों की लड़ाई है? हाँ वही। तो इसमें वंदे मातरम और राष्ट्रगान का क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है? नहीं, नहीं, ये तो आपको पता होगा। आप सारे मुद्दे जो बनाए जा रहे हैं बिल्कुल गलत है। गलत है। अच्छा, आप गांव के तो मुखिया हैं, आपसे सभी लोग मिलते भी होंगे, आपसे बताते होंगे, और कोई बात नहीं ना है? नहीं नहीं, दूसरी कोई बात नहीं है। हम अपना से कार्य कर रही है, हम 16 साल से बनाते हैं। 16 साल से। अच्छा, जो उस दिन मैटर हुआ था सर जी लोग में आपस में कोई विवाद हुआ था, किस कारण हुआ होगा? प्रार्थना मन भइल सर जी कि जय हिंद ना बोले, बाकी जय हिंद सब बोले, सब प्रार्थना में रहेला, सब प्रार्थना। हाँ, सब हम लोग सर जी बोले के खड़ा हो। तो इन्होंने ये कैसे कह दिया कि जय हिंद नहीं बोले? अब ये बात सर जी इतने बात कह, जय हिंद सब कोई बोलता सब है, सब सब बोले ला, केहू बोले ला ना कि मने कहलो नत कहलो, सब जैसे ये आरोप लग रहा है कुछ लोगों का कि जय हिंद नहीं बोला जाता है। नहीं, जय हिंद बोला जाता है, वंदे मातरम नहीं बोला जाता है, वंदे मातरम भी बोला जाता है, सब सर जी बोलते हैं। ये जो आरोप लग रहा है कि वंदे मातरम नहीं, जय हिंद नहीं बोला जाता है, ये गलत है? गलत है सर जी, गलत है, सब गलत है। और क्या इसमें किस तरह की झगड़ा होता है कुछ बताएंगे आप? क्या बताएंगे? किस बात को लेकर होती है? जैसे हो रहा है, छोटा जाते है हम बड़ा जाते हैं, तो कैसे छोटा जाता रहेंगे? अच्छा, इसीलिए होता है? हाँ, इसीलिए। तो ये कौन ऐसा आरोप लगाते हैं? अरुण सर, झगड़ा मुख्य हो रहा है सर। तो झगड़ा तो पता नहीं है ये अपने आपस में क्या क्या करते हैं, ये रोज गाली गरोजा होता है, रोज गाली रोज गाली होते रोज गाली वही गाली दे रही। कौन गाली दे रहा है? अरुण सर। जब हम आपके गाली देंगे तो 30 दिन के बाद तो एक दिन आप बोलेंगे बोलेंगे ना, तो इसी तक्कर से झगड़ा हो रहा है। आप बांधने मात्र में सभी छोटो बड़ो, हम भी रसोईया वाली हैं, हम लोग जहे रहते हैं तय खड़ा होकर, हम भी बात बोलते हैं, बुलाते हैं कि आप बोलिए। सुनने में आ रहा है कि छोटी जात बड़ी जात का क्या होता है? कि छोटी जात को बच्चा पढ़ता है, बड़ी जात को बच्चा तो इसमें पढ़ता नहीं है। तो मान ली में मजदूरी करने वाले बच्चे हैं तो हम मजदूरी भी हम पढ़ाएंगे, हमारा बड़ी स्कूल को तो बेवक नहीं है। भेदभाव किस तरह का होता है? दूसरा चूट कुर्सी बैठेगा, चमार कुर्सी बैठेगा, तब आखिर में तयोगी तो किए है ना कि बैठो, नानी बिरादर को माँ बाप पढ़ाते ही, आप ही के मम्मी पढ़ाते हैं। बच्चे क्या प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं? आपके बच्चे जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको तो सारी बातें बताते होंगे घर पे, तो उस दिन की घटना का क्या बात है, थोड़ा सा हमको बताइए। अरुण जी का ही गलती है। अच्छा, तो आरोप लगा रहे हैं कि वंदे मातरम लोग नहीं बोलते हैं? वंदे मातरम कैसे नहीं बोलेंगे? 8 साल से जो मास्टर पढ़ा रहे हैं उनको नहीं मालूम है कि बच्चे हमारे वंदे मातरम नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मतलब ये लोग 8 साल से पढ़ा रहे हैं के बोल रहे हैं कि मतलब वंदे मातरम नहीं बोल रहे हैं। अच्छा जी, जैसे आरोप लगा रहे हैं कि वंदे मातरम नहीं बोला जाता है, बोला जाता है, तो क्या ये सही है? राजनीति यहाँ पे हो रहा है, ये राजनीति हो रहा है वंदे मातरम को लेकर जी, यहाँ पे राजनीति हो रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं? अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम अनिकेश गौतम है, मैं इस स्कूल में 9 साल पढ़ा हूँ। 2017 में मेरा रजिस्टर है यहाँ पर 8 साल 8 में, नहीं है तो रजिस्टर निकाल कर देख लेंगे सर। ठीक है, लेकिन ये मुद्दा है जो है ना वो सब राजनीति है।
क्या है, क्या राजनीति हो रही है? ये हो रही है कि जनगण मनगण पर कोई शिक्षित आदमी सब खड़ा हो जाते हैं, सब लोग खड़ा होते हैं, जबकि जीके जीएस भी होता है प्रार्थना में होता है, अब उस पर इनाम भी मिला जाता है, जब कोई जीके जीएस का आंसर देता है तो उसे इनाम भी दिया जाता है। ये मेरा जैसे यहाँ पर आरोप लग रहा है कि वंदे मातरम नहीं बोल रहे, ऐसा होता ही नहीं है, सब टीचर खड़े होते हैं, क्या पता किसी को कोई तकलीफ हो जाए या टॉयलेट लग जाए वो चले जाए और वहीं पर खड़े हो जाए। क्या सच्चाई है? क्या सच्चाई? हम खुद यहाँ पर पढ़े हैं, क्या सच्चाई बताएंगे? इन्हें फंसाया जा रहा है, जातिवाद हो रहा है। अच्छा अच्छा, कोई ऐसे बड़ी जाति है जिनको फंसाए हैं? अरुण सर देख लीजिए, धर्मेंद्र सिंह फंसे हैं? नहीं फंसे हैं। और कोई सर है? उनका नाम नहीं है मालूम मुझे, नहीं पढ़ाए हैं। धर्मेंद्र सिंह पढ़ाए हैं, उनका नाम मुझे मालूम है। जैसे आप लोग का क्या यहाँ पे क्या होना चाहिए आप लोग के तरफ से? मेरे तरफ से ये होना चाहिए कि टीचर सब सही है, पढ़ाई हो रही है, हम पढ़े भी हैं, पढ़े भी हैं, टीचर भी सही हैं। ये टीचर कहीं भी ट्रांसफर नहीं होने चाहिए, मेरा ये मुद्दा है। यहीं पर पढ़ाएंगे, हमारे भाई बहन हम यहाँ पर पढ़ते हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा दी जाती है, यही मेरा यही वाक्य है। 8 साल से कोई भी लफड़ा नहीं चला था, 2 साल से चालू है, आज तक तो किसी का लफड़ा नहीं हुआ था। कहीं फील्ड में लगता है वो लगवाते हैं यहीं पे। 8 साल पहले ऐसा भी हुआ था कभी? कभी नहीं हुआ, ये कब से हो रहा है? साल भर से 6 महीने से हो रहा है। कौन किसके थ्रू हो रहा है? अरुण सर के थ्रू हो रहा है। अरुण मास्टर जब से आए तभी से तो ये लफड़ा हो रहा है। नीचे आइए, नीचे आइए। क्या कितने लोग यहाँ ट्रांसफर हुआ है? जब ट्रांसफर हो रहा है 4 आदमी सस्पेंड है, तो अरुण मास्टर 10 बजे रात तक गांव में क्या करते हैं? टोपी लगा गांव में घूमते हैं। गांव में क्या करते हैं? उनको क्या हो सकता है गांव में रहने की? वो अपने घर पे नहीं जा सकते हैं? अरे ये कोचिंग पढ़ाते तो क्लास वाइज क्यों नहीं पढ़ाते? क्यों एक ही साथ सब सबको गांव में घूम रहे हैं? अब अंदर ही कोई